कोरोना के बढ़ते कहर के साथ देश और राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में टॉप पर आने लगी है और यहां कुल मरीजों की संख्या 32,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। और दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि मरीजों को ना अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और ना ही उनका इलाज हो पा रहा है। और दिल्ली की जब ऐसी हालत है, उस वक्त ये खबर भी सामने आ रही है कि महामारी के बीच मेयर के चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। आगामी 24 जून को तीनों निकायों के महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होंगे। वहीं 17 जून को नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है। खास बात यह है कि दोपहर 2 बजे तक ही मतदान होंगे। अधिकारियों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि पूर्वी नगर निगम में महापौर और उप महापौर चुनाव के साथ साथ खाली पड़े सदस्यों के 4 पदों के लिए भी चुनाव किया जाएगा। पूर्वी निगम के चुनाव पटपड़गंज, इसी तरह उत्तरी और दक्षिणी निगम के लिए वोटिंग दोपहर 2 बजे सिविक सेंटर में होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। बता दें कि अभी दिल्ली के तीनों नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है। दरअसल अप्रैल महीने में ही हमेशा नगर निगम के चुनाव होते थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार दिल्ली में समय पर निगम के चुनाव नहीं हो पाए।